हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ये जो चैसिस आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये चैसिस डेट हो गया, मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो ईएसटी है, ये न्यू ईएसटी है, इसका अंदर एक न्यू टेक्नीशियन, एक छोटा सा प्यारा टेक्नीशियन आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, ये जो टेक्नीशियन ये पीसीबी लेके आए और वो टारगेट किया कि इसका ईएसटी फॉल्ट है और ईएसटी लगाया है। ईएसटी लगाने के बाद सेट ऑफ हो गया और उसका मन में जो चल रहा है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, इसीलिए ये ट्रांजिस्टर को ओपन किया। ट्रांजिस्टर का जो नंबर है TT2140। क्लियर नहीं आ रहा है तो चलिए एक बार देखता हूँ क्लियर आता है कि नहीं। देखिए, TT2140 छोटा सा ट्रांजिस्टर है। बर्दस्त आपको बताना चाहता हूँ, ये टीटी ट्रांजिस्टर ओपन करके मैं चेक करके देखा कि ये ट्रांजिस्टर ओके है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, कौन पोजीशन का प्रॉब्लम है, आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये जो ईएसटी न्यू लगाया, ईएसटी का नंबर BSC2401N4013E, ठीक है। ये चैसिस का जो मेन प्रोसेसर आईसी नंबर आप देख सकते हो 8823 CPNG6B33, ठीक है। तो क्यों ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, उसका जो दिमाग में लग रहा है कि ये जो ईएसटी चेंज करने का समय, इसका अंदर एक वायर है, ये जो नेगेटिव का वायर है, ये वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और उसका बात ही ऑन नहीं हो रहा है। बट सप्लाई आने के बाद बंद हो गया। तो ट्रांजिस्टर तो ओके है, तब भी इसका प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए नॉर्मल सा कूल टेस्ट करना पड़ेगा। ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर अभी ओपन है, ये ट्रांजिस्टर पॉइंट अभी शॉर्ट बता रहा है। मतलब ये जो पिन, जो कलेक्टर पिन, ईएसटी से जो वोल्टेज ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जाता है, यहाँ से जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ शॉर्ट बता रहा है। आपको देखाऊंगा अभी। और ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन, देखिए ये ईएसटी सप्लाई पिन है, ठीक है, ईएसटी सप्लाई पिन है और बीच में एक ये कॉइल हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पर कैपेसिटर है डीकेसिप के साथ जो 110 वोल्ट लाइन का, और बीच में यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। और दोस्तों ये डायोड है, ये डायोड से सप्लाई 110 वोल्ट ईएसटी पर जाता है, चॉपर का ये पिन से सप्लाई निकलता है। तो दोस्तों यह पॉइंट से पूरा ये जो लाइन है, ये सप्लाई लाइन, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसका जो अधिकतर रीजन देखा जाता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट हो जाता है। बट दोस्तों ये न्यू टेक्नीशियन है, आउटपुट ट्रांजिस्टर ओपन करने का बाद भी शॉर्ट बता रहा है, तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम और ये शॉर्टिंग को कैसे रिमूव किया जाता है, तब ये सेट ओके होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं कैमरा थोड़ा सेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम को देखिए, चेक करने के लिए मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया, अब देख सकते हो ये देखिए बीप साउंड आ रहा है। और आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो देखिए ईएसटी जो सप्लाई, ईएसटी सप्लाई जो आउटपुट, ये जो पॉइंट है, यह से देखिए इसका नेगेटिव, देखिए शॉर्टिंग है, और ईएसटी का ये जो नेगेटिव, ये देखिए शॉर्टिंग है, ठीक है। चलिए ये जो डायोड है, ये डायोड पॉइंट से भी शॉर्टिंग है, कितना ओम शॉर्टिंग है, देखिए 4.2 ओम शॉर्टिंग है, ठीक है। और ये देखिए ये जो लाइन जा रहा है बीच में, ये लाइन शॉर्टिंग है, ये जो कैपेसिटर यहाँ से जम्पर, और ये देखिए ये स्टेपिन पर शॉर्टिंग है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये ईएसटी पिन से जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, देखिए इसका मिडिल पिन, ये कंटिन्यूटी कनेक्शन है और ट्रांजिस्टर अभी ओपन है, तब भी देखिए नेगेटिव का साथ शॉर्टिंग है, ये साइड से भी शॉर्टिंग है, ठीक है। इसका तीनों कनेक्शन, जो तीनों लेग होता है ट्रांजिस्टर का, तीनों पिन ही शॉर्टिंग बता रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाना चाहते हैं, ये ईएसटी सप्लाई नेगेटिव का साथ शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कि इसका जो सप्लाई वोल्टेज है जो ईएसटी पर जाना चाहिए, वो नेगेटिव पर चला जाएगा, मतलब
कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो इसका अलग अलग पिन का साथ भी ये सेटिंग बता रहा है। ये पिन सेटिंग नहीं है बट अलग अलग बहुत पिन का साथ ये सेटिंग बता रहा है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे चेक किया जाता है, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये जो डायोड है ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है। इसका अंदर ये जो कैपेसिटर है, देखिए ये जो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है और ESD भी खुद शॉर्ट हो सकता है। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, बीच में जो जम्पर है आपको ये जम्पर को ओपन करना पड़ेगा। ये जम्पर भी है यहाँ पर, ये जम्पर और रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ भी एक लाइन को ओपन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से एक लाइन को मैं ओपन कर देता हूँ जो ESD का अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसका अंदर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर देता हूँ, ये मोटा वाला रेजिस्टेंस। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया, इसका ओम्स 3.9 ओम्स, ठीक है, 5 वाट का, ठीक है, 3.9 ओम्स 5 वाट का। चलिए ये रेजिस्टेंस आपको मेजर करके दिखाता हूँ कि ये जो ओम्स है ये बीप आ रहा है। तो दोस्तों मीटर पर देख सकते हो 3.9 ओम्स। बात दोस्तों देखिए, बहुत न्यू टेक्नीशियन भी कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर जो लिखा है 5 वाट तो लिखा है और 3R9K लिखा है। तो दोस्तों ये इसका मतलब 3.9K नहीं है, 3.9 ओम्स है, ठीक है। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए, मेरे न्यू टेक्नीशियन होगा तो ये 3.9 ओम्स का। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सा इन्फॉर्मेशन है मेरे न्यू टेक्नीशियन का पास। तो चलिए उसके बाद आपको इसी टाइम चेक करना पड़ेगा कि ये जो डायोड है, ये डायोड का जो पॉजिटिव लाइन है या से जो नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव का शॉर्टिंग अभी नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो डायोड है, डायोड भी शॉर्टिंग नहीं है। ये जो नेगेटिव, ये जो सप्लाई लाइन, देखिए ये जो ESD का नेगेटिव है इसका साथ भी शॉर्टिंग रिमूव हो गया। मतलब ये जो लाइन है, ये कैपेसिटर भी ओके है, ये कैपेसिटर का नेगेटिव है, सप्लाई लाइन का शॉर्टिंग रिमूव हो गया। तो शॉर्टिंग क्या है, मैं ये जो लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस को ओपन किया, तो ये जो सप्लाई लाइन है ESD का, यहाँ से नेगेटिव शॉर्टिंग है। तो इसका मतलब इसका आउटपुट सेक्शन, डायोड सेक्शन, ये सेक्शन ओके है, ESD सेक्शन का कुछ शॉर्ट है। तो और क्या शॉर्ट हो सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो सप्लाई लाइन है यहाँ से नेगेटिव शॉर्ट है, इसका साथ यहाँ पर एक पार्ट्स है, कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिव का साथ है। तो ये पार्ट्स को भी देखना पड़ेगा, ये पार्ट शॉर्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ से सप्लाई इंटरनल कॉइल है ESD का, ये कॉइल से वोल्टेज आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है, बट ये लाइन का अंदर यहाँ से यहाँ तक एक PF है, जो 1600 वोल्ट वाला बूस्ट PF है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, और यहाँ से यहाँ तक एक PF है, ठीक है, ये PF भी शॉर्ट हो सकता है जो नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। तो अधिकतर ये छोटा वाला PF शॉर्ट हो जाता है, बूस्ट पे भी होता है बट छोटा वाला PF जो होता है ये भी अधिकतर शॉर्ट हो जाता है। चलिए क्या करना पड़ेगा, ये PF को ओपन करके देखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जॉइंट है इसको आउट करके इसका आउटपुट सेक्शन को ओके है कि नहीं है आप आइडिया लगा सकते हो। चलिए मैं ये दो PF ओपन करने का पहले मैं क्या करूँगा, आपको जो शॉर्टकट तरीका मैं दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेट कीजिए। ये जो ESD का जॉइंट है, ये जॉइंट को मैं ओपन कर देता हूँ। दोस्तों इसका साथ अलग सा वायर कनेक्शन करके ये लाइन को ज्वाइन किया है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फॉइल लाइन है ये आउट हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये मैं अलग कर दिया, ठीक है। अब देख सकते हो ये जो ESD का कनेक्शन लाइन का मैं आउट कर दिया। अभी देखिए ये जो सप्लाई लाइन है ESD का साथ कनेक्शन है, देखिए, और ये फॉइल लाइन, तो ये फॉइल लाइन का कनेक्शन नहीं है,
मान लो ये देखिए, अब अच्छा करके देखिए, ये जो ये स्टिकर पिन का साथ इसका ये देखिए, अभी देखिए ये नेगेटिव का साथ सेटिंग बता रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये जो नेगेटिव का साथ सेटिंग बता रहा है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मतलब देखिए ये जो सप्लाई लाइन का साथ, तो दोस्तों ये देखिए ये जो सप्लाई लाइन है इसका साथ ये देखिए शॉर्टिंग अभी नहीं है, ये पीएफ भी शॉर्टिंग नहीं है और जो बूस्ट पीएफ ये भी शॉर्टिंग नहीं है। मतलब ये आउटपुट ट्रांजिस्टर तो ओपन है, ये तो शॉर्ट नहीं है, पीएफ भी शॉर्ट नहीं है, बूस्ट पीएफ भी शॉर्ट नहीं है। तो ये जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन का साथ ईएसटी का कौन कौन पिन का साथ कनेक्शन, देखिए ये पिन का साथ कनेक्शन है नेगेटिव का साथ, तो ये पूरा शॉर्टिंग बता रहा है। ये पिन का साथ कनेक्शन है और देखिए ये पिन का साथ कनेक्शन है, मतलब जितना पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है, कुछ भी एक पिन का पार्ट्स नेगेटिव का साथ शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर जो लाइन है देखिए, अभी ये शॉर्टिंग है और उसके बाद इधर साइड और इधर साइड शॉर्ट नहीं है, मतलब ये पिन का साथ पार्ट शॉर्ट नहीं है। ये जो सप्लाई लाइन इसका साथ इधर एक पार्ट्स है, तो ये पार्ट्स को एक बार देखना पड़ेगा ये कौन सा पार्ट्स है, क्योंकि ये जो नेगेटिव लाइन का साथ ये कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार ये ओपन करके देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट्स है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो पीएफ भी यहाँ पर है, कौन सा पार्ट्स कनेक्शन है चलिए एक बार देखना पड़ेगा कि दोस्तों ये कैपेसिटर है। चलिए कैपेसिटर ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा, ये कैपेसिटर को मैं ओपन किया अभी, ठीक है, तो एक बार कनेक्शन करके देख लेते हैं। दोस्तों इसी तरह शॉर्टिंग प्रॉब्लम को किस तरह चेक करना पड़ेगा ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी देखिए कैपेसिटर ओपन करने के बाद ये पॉइंट शॉर्ट है, मतलब ये सप्लाई लाइन नेगेटिव के साथ अभी शॉर्ट है, ये नेगेटिव के साथ अभी शॉर्ट है, मतलब कैपेसिटर ओके है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैपेसिटर शॉर्टिंग नहीं बताएगा, आप देख सकते हो ये शॉर्टिंग नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलिए जो पार्ट्स ओके देखा जाता है वही पार्ट्स का आप साथ साथ लगा दीजिए, नहीं तो आपका भूल जाएगा कि कौन पोजिशन का कौन सा पार्ट्स था। चलिए कैपेसिटर को यहाँ पर लगाया और कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉजिटिव रहता है पिन का, वो भी आपको देख के लगाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों उल्टा लगाएगा तो कैपेसिटर सप्लाई देने का साथ साथ वो फट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसका बाद क्या देख चेक करना पड़ेगा और कौन सा पार्ट शॉर्ट है कि देखिए अभी मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट करके ही रखा हूँ और ये पिन का साथ कौन सा पिन, ये तो चेक हो गया, ये पिन चेक हो गया और दोस्तों ये तो नेगेटिव है, ये देखने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो लाइन है कौन सा लाइन है, तो दोस्तों ये फिलामेंट का, ठीक है, फिलामेंट का। और ये कौन सा है दोस्तों, ये एबीएल का। और ये कौन सा है तो दोस्तों ये 180 वोल्ट का, ठीक है। अब अच्छा करके देखिए 180 वोल्ट का लाइन है, बीच में क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, तो दोस्तों ये डायोड पर शॉर्टिंग नहीं है बट ये पॉइंट पर शॉर्टिंग है, मतलब इसका ये जो 180 वोल्ट लाइन है ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर शॉर्टिंग नहीं है और इसका अंदर कुछ भी पार्ट्स नहीं है, तो दोस्तों मतलब ये लाइन भी ओके है, ठीक है। ये देखिए ये जो लाइन है इसका अंदर इंटरनल कॉइल है और इसीलिए इसका अंदर ये लाइन शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया। जो ये फिलामेंट लाइन है
ये एक बार देखना पड़ेगा, ये जो फिलामेंट लाइन है, यह से दोस्तों फिलामेंट लाइन का साथ, तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव है, ये साइड नेगेटिव है, एक साइड नेगेटिव है, ये नेगेटिव लाइन है, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ ये जो फिलामेंट पॉइंट शॉर्ट बता रहा है, तो क्यों बता रहा है कि दोस्तों फिलामेंट तो पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन अभी तो नहीं है, तभी क्यों ये शॉर्ट बता रहा है, के लिए मैं अच्छा करके देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है फिलामेंट सप्लाई का, कि ईएसटी सप्लाई के साथ ये फिलामेंट लाइन कभी एक साथ डायरेक्ट इंटरनल कॉइल कभी नहीं होता है, क्योंकि ईएसटी जो सप्लाई है और फिलामेंट जो लाइन है कभी कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईएसटी सप्लाई यहाँ पर जो आएगा ये डायरेक्ट फिलामेंट पर चला जाएगा और फिलामेंट तुरंत काट जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करने का पहले ये फिलामेंट लाइन से अलग से एसी सप्लाई, देखिए अलग से एसी सप्लाई एक सेक्शन पर जाता है, अब देख सकते हो ये अलग से रेजिस्टेंस है, बट ये लाइन का अंदर क्या है कुछ भी कनेक्शन नहीं है और लिया पर एक रेजिस्टेंस है। तो चलिए ये पिन को ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो फिलामेंट जो ईएसटी से जो फिलामेंट आउटपुट हो रहा है, तो चलिए मैं डी सोल्डर विक से ही इसको ओपन करके एक बार देखूंगा कि क्या इसका कनेक्शन इंटरनल है कि नहीं है। बट दोस्तों ईएसटी रॉन्ग होगा तो, ठीक है, ईएसटी रॉन्ग होगा तो इसका फिलामेंट सप्लाई के साथ कनेक्शन होगा तो दोस्तों पिक्चर ट्यूब भी काट सकता है, पिक्चर ट्यूब पर जो फिलामेंट है। तो चलिए एक बार देखना पड़ेगा, ये पिन को ओपन करना पड़ेगा। लग रहा है ये पिन ओपन हो गया, तो ये सप्लाई लाइन का साथ ईएसटी पिन तो दोस्तों शॉर्टिंग बता रहा है। तो दोस्तों ये जो फॉयल लाइन है, चलिए इसका हालत तो बहुत खराब है, तब भी मैं अच्छा करके चेक करने के लिए इसको मैं आउट कर देता हूँ, ठीक है। अलग से वायर लेके तो बाद में जॉइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ईएसटी ओपन करके चेक करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। पहले से इसका फॉयल लाइन का हालत बहुत खराब है, ठीक है, तो कोई बात नहीं के लिए। तो दोस्तों ये मीटर कुछ टाइम का अंदर ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। चलिए मैं फिर भी ये देखिए, ईएसटी पिन का साथ ये जो सप्लाई पिन का साथ ये फिलामेंट पिन शॉर्ट है, आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, जो फिलामेंट लाइन है, ये अभी ये पॉइंट शॉर्ट नहीं है। अब अच्छा करके देखिए, तो आप अच्छा करके देखिए, ये लाइन को यहाँ से मैं ओपन कर दिया, ये जो लाइन देखिए शॉर्टिंग रिमूव हो गया, ठीक है। मतलब ये जो सप्लाई लाइन देखिए अभी भी नेगेटिव का साथ भी शॉर्ट है, ठीक है, और फिलामेंट पॉइंट का साथ भी शॉर्ट है, ये क्यों है। तो दोस्तों चलिए, ये जो ईएसटी है लग रहा है ये अलग नंबर का ईएसटी है, ये सर्किट का, ये चेसिस का ईएसटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव को भी एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है, और ईएसटी भी फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो चलिए ये जो नेगेटिव है,
नेगेटिव ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका सामने मैं ये लाइव प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये नेगेटिव का जो कनेक्शन है ये मैं आउट कर दिया ईएसटी का। अभी एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो सप्लाई लाइन है सप्लाई लाइन के साथ ये देखिए ईएसटी का जो कंटिन्यूटी ये शॉर्ट है। आप अच्छा करके देखिए ईएसटी का जो कंटिन्यूटी नेगेटिव का साथ, ये दोस्तों नेगेटिव है। अभी देखिए ये मेन नेगेटिव से इसका शॉर्टिंग आउट हो गया, ठीक है। मेन नेगेटिव जो फॉइल लाइन से शॉर्टिंग आउट हो गया, देखिए जो मेन नेगेटिव है यह से शॉर्टिंग आउट हो गया। ओनली ये जो पिन है ये पिन का साथ देखिए शॉर्टिंग बता रहा है। तो दोस्तों कभी ये नहीं होना चाहिए कि जो ईएसटी सप्लाई लाइन उसका साथ मेन नेगेटिव कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी इसी कंडीशन पर ईएसटी शॉर्ट हो गया, हो सकता है ईएसटी का नंबर वो अलग सा नंबर लगाया, ठीक है। तो चलिए मैं उसको बताता हूँ, उसका ओरिजिनल जो ईएसटी नंबर है मैं देखूँगा, देखने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं फाइनली आपको ये जो न्यू ईएसटी लगा है न्यू ईएसटी का नंबर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। आप अच्छा करके देखिए ये जो न्यू ईएसटी नंबर देखिए BSC 24 01N 40313E, ठीक है। और ये आरक्षण नंबर है BSC 25 N 0332R, ठीक है। ये इसका न्यू ईएसटी लगाया, बट चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका जो ओरिजिनल ईएसटी नंबर, ये ओरिजिनल ईएसटी नंबर सेम ही है, ठीक है। BSC 24 01N 40 13E और इसका जो सेकेंड नंबर है ये भी सेम है, ठीक है। ये जो दो नंबर ईएसटी जो आपको मेजर करके देखूंगा, बट दोस्तों इसका जो ईएसटी इसका पिन देखिए ओपन करके ये लेके आया, आप देख सकते हो, ठीक है। ये ओपन करके लेके आया, ये देखिए 1 2 3 4 ये 5 नंबर पिन भी ओपन है, जो दोस्तों ये नेगेटिव का पिन है, ठीक है। ये जो सप्लाई और ये जो आउट इसका साथ ये नेगेटिव पिन कभी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, जो आपको ये वीडियो के अंदर शॉर्टिंग दिखाया ये ईएसटी शॉर्टिंग है, मतलब इसका ईएसटी फॉल्ट है, ठीक है, ईएसटी फॉल्ट है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इसी तरह एक वीडियो आपको बना के दिखाया, ये जो एलजी का चैसिस है ये एक बड़ा टेक्नीशियन का चैसिस है, तो ये भी न्यू ईएसटी लगाया, ठीक है। ये न्यू ईएसटी लगाने के बाद तो दोस्तों इसका भी सेम तरह ही, बट अलग से एक प्रॉब्लम है, नो लाइट प्रॉब्लम, कि इसका ये जो फाइनल एनोड है ये फाइनल एनोड से कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिखाया। बट ये जो ईएसटी का कंपनी डबल वाई का आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी फॉल्ट है। और ये जो अलग से ईएसटी है ये चैसिस का, ये डबल वाई का नहीं है, आप देख सकते हो, ये एक कंपनी का स्टिकर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो स्टिकर है ये ईएसटी भी फॉल्ट है, ओरिजिनल जो ईएसटी यहाँ पर था ये सेम स्टिकर है। तो दोस्तों तो आपको बताना चाहता हूँ, मेनली न्यू टेक्नीशियन होगा तो मार्केट से जो अधिकतर अभी ईएसटी देखा जाता है बहुत ईएसटी फॉल्ट मिलता है, न्यू ईएसटी फॉल्ट मिलता है। हो सकता है कि आप न्यू ईएसटी लगाए आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, और आप कमेंट करके बताएगा सर क्या चेक करना पड़ेगा, हो सकता है मैं आपको बताऊँगा ईएसटी चेंज करके देखो, और आप बता सकते हो कि मैं ईएसटी तो न्यू लगाया, ठीक है, और मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि न्यू ईएसटी मार्केट के अंदर बहुत फॉल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।